just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Okay, so guys, welcome to my YouTube channel Travel Safari Vlogs. जैसे कि आप देख रहे हो, आज दीव में मेरी तीसरी सुबह हुई है और बहुत ही खूबसूरत दिन गुजर रहे हैं यहाँ पे दीव में रह के. बहुत ही मज़े कर रहा हूँ मैं, अलग अलग जगह पे जाके व्लॉग कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ. आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा. ये मेरा तीसरा दिन है दीव में, तो आज भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने जाऊँगा मैं. फ़िलहाल तो आपको मैं क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत हवामान विभाग की जानकारी दे देता हूँ. दीव में हवामान विभाग की जानकारी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे कल रात को हम सो गए थे, मैं सो गया था, हर कोई सो गया था, पूरा दीव सो रहा था, तब बारिश हुई हल्की. पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, पर मुझे दिख रहा है. रास्ता जो है थोड़ा गीला हो चुका है और बहुत ही खुशनुमा सा माहौल हर दिन की तरह आज भी हो रहा है, हो चुका है, मतलब है. तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते अब से, अभी से, इसी वक्त से. जिगर ब्लॉग में आ जा भाई. तो जिगर मेरा दोस्त आज भी हमें कहीं ना कहीं पे घुमाने ले जाएगा. जैसे कि मैंने बोला था, दोस्त तो था ही, पर जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मेरा गाइड बना हुआ है ये. तो जिगर आज कौन सी जगह, आज कौन सी एक्साइटमेंट से भरी हुई कौन सी जगह तू एक्सप्लोर करने ले जाएगा मुझे? जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे जगह एक्सप्लोर किए हैं, तो यहाँ का जो सेकंड सबसे फेवरेट जगह है बीचेस अभी हम लोग गए नहीं वहाँ पे. तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि पूरा दिन, जैसे कि हिरेक्स प्लान कर रहा था पूरा एक दिन, वो एक वीडियो बनाएगा जिसमें पूरे दिन का जितने भी बीच हैं दीव में वो एक्सप्लोर करेंगे और कुछ नया चीज़ देखेंगे. तो आज वही करने वाले, पूरे दिन हम लोग वीडियो बनाएंगे जाके, सब सारे जितने भी खूबसूरत एग्जॉटिक बीच हैं वहाँ पे जाके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, नया जगह वीडियो बनाएंगे. तो जान लिया आपने, हवामान विभाग से जानकारी दे दी, जिगर ने, हमारे गाइड ने भी जानकारी दे दी कि कहाँ कहाँ घूमने वाले आज. तो चलो बने रहो मेरे साथ, आ जाओ दीव की गलियाँ फिर से देख लो एक बार. और आज जो है बीच भी घुमा देते आपको. पहले तो दूर दूर से दिखा रहा था, अब एकदम करीब से बीच को भी देख लो आप. तो जिगर चले, लेट्स गो. ओके आ जाओ. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज का दीव में हमारा तीसरा दिन है, तीसरी सुबह हो रही है हमारी यहाँ पे. तो बहुत कुछ है आज भी जो मैं एक्सप्लोर करूँगा, पर आपको आज मैंने पहले ही बता दिया, हमारे गाइड यानी कि जिगर जी ने हमें पहले ही बता दिया कि आज हम जाने वाले हैं बीच पे. जितने भी अच्छे अच्छे बीच हैं, दो तीन चार बीच एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. पता नहीं कितने, दो है, तीन है, चार है, जितने भी हैं एक्सप्लोर करेंगे और हमारी मस्ती धमाल के साथ एक्सप्लेनेशन होगी. तो ये व्लॉग भी गाइस एंड तक देखते रहना, ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आएगा. फिलहाल तो वही रोड जो आपको पिछले दो व्लॉग से मैं दिखा रहा हूँ, जा रहे हम आगे बढ़ रहे. चलो you just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? I
issues run so deep. Now when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be सो गाइज, जैसे कि हमारे गाइड यानी कि जिगर जी ने हमें बताया था कि हम आज बीच एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे, तो आ गए हम बीच पे। ये देख लो आप, और ये जगह का नाम जो है गंगेश्वर टेंपल करके है ये जगह। और उस टेंपल के साइड पे, मतलब बीच के साइड पे टेंपल है, और जो भी कहो टेंपल के साइड पे बीच है, मतलब दोनों एक ही बात हुई। सो इस जगह की कुछ कहानी इस तरह से है कि ऐसा माना जाता है कि 5 शिवलिंग यहाँ पे है, और वो 5 शिवलिंग जो है, 5 पांडव यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ पे पूजा याचना करते थे। तो अभी भी लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे आके मन्नत रखने से मन्नत पूरी होती है, मतलब जो भी कुछ ख्वाहिश है, जो भी कुछ परेशानी है, वो तकलीफ है, यहाँ पे आके मन्नत मांगो फिर वो पूरी होती है। तो बस यही सब है गाइस, देख लो बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे आ रहा है। हम जाएंगे वहाँ पे, वो जो गेट दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा, बस वहाँ पे जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे, और मंदिर है कौन सा, गंगेश्वर टेंपल है। Distant when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Can you see? No tainted love is all we have. My issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be शिवलिंग के दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छा लगा। अभी बहुत रिफ्रेश फील कर रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों की वजह से। स्पिरिचुअलिटी जो है वो फील होती है हकीकत में यहाँ पे एकदम। और देख लो आप, पूरा समंदर, और ये जो लहरें आ रही है, ये देखो ये लहरें, दूर दूर तक सिर्फ समंदर दिखेगा आपको। यहाँ तक मोजे उछल रहे इसके। सो गाइज, वही सब है जो दिखा रहा हूँ मैं।
अगर आप दीव में आते हो तो ये जगह पे ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। सो हम जाएंगे यहाँ तक, फिर देखते हैं क्या एक्सप्लोर करते हैं। आज बीच एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके साइट सीन एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तो कुछ ना कुछ मस्ती कर रहे हैं जिगर और रिमोन, और मैं यहाँ पे व्लॉग बनाता हुआ बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पे जिगर हमें घूमने के लिए लाया है, और इसकी वजह से ही, जिगर की वजह से ही, दोस्त कहो गाइड कहो जो भी है, जिगर की वजह से ही मैं इतने ही सब जगह एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये देखना है, ये देखना है, वो देखना है, थोड़ा बहुत पता था नागवा बीच ये वो सब, तो नागवा बीच पे भी जाएंगे, जो जो फेमस जगह है वहाँ सब जगह जाएंगे, और जो फेमस नहीं है, इतनी फेमस नहीं है फिर भी बहुत देखने जैसी है, देखने लायक है, ऐसी जगह पे भी हम जाएंगे। सो देख लो, यही सब है गाइस। Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand, from him sin. With me tonight, I'm on the road. बीच एक्सप्लोर कर दिया, टेंपल एक्सप्लोर कर दिया, अब जो हम आए हैं ये आप पीछे देख रहे हो, छोटा सा है कुछ, उसे टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, और इसकी हिस्ट्री जो है जिगर हमें अच्छे से बताएगा। तो जिगर थोड़ा सा बता दे देखने से पहले। ये कुएं जैसा शेप का दिखने वाला एक राउंड सर्कुलर एक ऐसा जगह है जहाँ पे फारसी लोगों के लिए उनका जो लास्ट जो रिस्पेक्ट होता है वो दिया जाता है आफ्टर डेथ। तो ये जो जगह है वो जगह की हिस्ट्री फारसी लोगों के साथ जुड़ी हुई है पहले से, जुड़ी हुई है। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीव दमन गोवा, इसमें से दीव में सबसे पहले जो थे वो ज़ोरोस्ट्रियन आए थे वेस्टर्न कंट्रीज से। हाँ। ज़ोरोस्ट्रियन ऑल्सो नोन एज फारसी, उनको फारसी भी बोला जाता है। तो फारसी लोग बहुत सारे थे यहाँ पे एक टाइम पे, बिफोर पोर्चुगीज़ से भी पहले फारसी लोग बहुत ज़्यादा थे। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं इसको, ये जगह यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई उन लोगों के लिए ताकि उनका आफ्टर डेथ का जो रिस्पेक्ट, लास्ट रिस्पेक्ट होता है वो दिया जाता है। तो बेसिकली क्या होता था कि अंदर अपने जाके देखेंगे बहुत सारे पार्टीशंस हैं, वो पार्टीशंस में उनकी डेड बॉडीज़, चिल्ड्रन फीमेल और मेल कंपार्टमेंट से, उनके अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, 3 कंपार्टमेंट। तो उन लोगों को उसी कंपार्टमेंट के अंदर उन लोगों को उनका डेड बॉडी रखा जाता था, और
यहाँ पे उस टाइम पे वल्चर्स बहुत ज़्यादा थे. अभी वल्चर्स का पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में उनका तादाद बहुत कम हो चुका है, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा थे. बिकॉज ऑफ ह्यूमन. हाँ, कम हो जा रहा है. क्यों वो आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ अच्छे से, सब लोग जानते हैं. सो थोड़ा ध्यान रखो नेचर का, बिगाड़ मत करो, पॉल्यूशन थोड़ा कम फैलाओ, ये वो सब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. जितना ह्यूमंस अपने लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, उतना ही उनका जो जानवर हैं उन लोगों का, बर्ड जानवर उन लोगों का तादाद कम हो रहा है. तो उसी वजह से अभी कम हो गया, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था. तो वल्चर्स वगैरह आके ये सब ह्यूमन बॉडी को खा जाते थे, मतलब धीमे धीमे लेके जाते थे भाई. उनका डेली ब्रेड होता था, ये उनका डिनर ब्रेकफास्ट लंच हो जाता था. तो चलो देख लेते हैं. अब हिस्ट्री तो जान ली, अब है समय आ गया है उस जगह को एक्सप्लोर करने का. तो देख लो, चलो बिना देर किए देख लो. बाकी तो सब बहुत बढ़िया है, देख लो आप आसपास. साइलेंस, बहुत ही साइलेंस जगह है, एकदम साइलेंट जगह. हाँ, आपका हार्ट बीट सुनाई देगा. देख लो, चलो अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. हाँ, तो यहाँ से चढ़ना रहेगा, यहाँ से ऊपर चढ़ना है, और ओ अंदर भी जा सकते हैं, झुक के ऐसे अंदर जाना है. और नीचे ये कंपार्टमेंट देख रहे हो आप, आवाज़ गूंज रही है. हेलो हेलो. हाँ, तो ये है पार्टीशंस, ये रहे पार्टीशंस, ये एडल्ट्स के लिए हैं. ओके. इनका बेसिकली इनका जो यहाँ पे आप चीज़ ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पे डेड बॉडी रखा हुआ है. हाँ. तो यहाँ से एक चीज, एक रास्ता निकल रहा है छोटा सा. हाँ. ये ब्लड को जाने के लिए था. ओके. और ब्लड वगैरह यहाँ पे इकट्ठा होता था उस टाइम पे. वल्चर्स लोग आके, वल्चर्स आके यहाँ से डेड बॉडी इधर उधर लेके जाते थे. तो यहाँ ये पूरा हम लोग एक डाइनिंग हॉल जैसा था उस टाइम पे. ओके. सो यहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती थी, वल्चर्स लोग आके उनको खा जाते थे. तो बस यही सब है टावर ऑफ साइलेंस की कहानी. तो ये बस का कंपार्टमेंट है, ये एडल्ट्स का कंपार्टमेंट है, ये छोटे बच्चों का है, ये वाला देखो आप देख सकते हैं यहाँ से. हाँ. सीधा इनका जा रहा है. और इवन ये है, ये बेबीज के लिए है. ओके. डेड बेबीज, तो यहाँ से भी उनका ब्लड जा रहा है. तो ये एक ओके. सो देख ली आपने, हिस्ट्री देखी सुनी और जगह भी देख ली. जो भी है देख लो, अभी बहुत खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है. सो गाइस चलो अब चलते आगे की ओर. यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लोर हो चुका है ऑलमोस्ट. हाँ, तो अब बढ़ते हैं. कहाँ पे जाएंगे, कौन से बीच पे जाने वाले हैं जिगर? अभी हम लोगों का नेक्स्ट पोर्ट रहेगा नागोआ बीच, जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है. सबसे पहले लोग आके उधर ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ का लिटरली वहाँ का बीच काफ़ी सुंदर है, काफ़ी लंबा है. और सुन लिया तो बस चलो नागोआ पे मिलते हैं. बहुत मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगी. बने रहो मेरे साथ. और गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, प्रेस बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही मज़ा आएगा. सो चलो मिलते हैं नागोआ में, फटाफट जाते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करता हूँ वहाँ पे भी. यहाँ पे भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर दिया, अब वहाँ पे मिलो. ओके. सो गाइस फाइनली हम नागोआ बीच पे पहुँच चुके हैं. ये बहुत ही फेमस बीच है दीव का. सो टूरिस्ट अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ये बीच पे रहता है. हम थोड़ा भीड़ भाड़ से अलग आए हुए हैं, क्योंकि अच्छे से बात कर पाऊँ ये वो सब, पर सिनेमेटिक शॉट में आपको वो भी नज़ारे देखने को मिल जाएंगे. सो फिलहाल यहाँ पे एकदम शांति है, बीच बहुत ही बढ़िया है एकदम. यहाँ पे आप पेड़ देख सकते हो, फिर ये जो है किनारा बहुत ही सुंदर है. ये देखो ये पानी यहाँ तक आ रहा है, ये वो सब क्रिस्टल क्लियर वाटर है. सो बहुत ही मज़ा आ रहा है. सबसे ज़्यादा एन्जॉयमेंट आज मैं इस व्लॉग में कर रहा हूँ सच कहूँ तो. और गाइस जो भी है देख लो आप, बहुत ही बढ़िया एकदम नज़ारा है. जिगर ने बोला ही था कि सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो नागोआ बीच पे जाके आएगा. सो सही कहा था जिगर ने. जिगर फिलहाल इमोन के साथ वहाँ पे है और वहाँ पे जाऊँगा, ये वो सब सिनेमेटिक शॉट में आपको देखने को मिल जाएगा. फिलहाल आप थोड़ा बहुत नज़ारे का मज़ा ले लो, यही है गाइस, बहुत ही मज़ा आएगा. आई होप आपको अब तक मज़ा आ रहा है और आगे भी आता रहेगा. तो ये व्लॉग जो है एंड तक देखना,
और एक बीच है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है वहाँ पे, ऐसा जिगर ने मेरे को बोला है, तो वहाँ पे भी जाएंगे और जो भी है सभी जगह एक्सप्लोर करेंगे। दीव की बस आखिरी आखिरी जगह एक्सप्लोर करना बाकी है। सो बोलना बंद करता हूँ और दिखाना स्टार्ट करता हूँ, आ जाओ देख लो। Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, send with me tonight. I'm gonna run. ओके सो गाइज, नागोआ बीच से हम आ गए दूसरे बीच पे, जो मैंने बोला था कि क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ पे, और यहाँ पे आसपास कोई है भी नहीं, इतने ज़्यादा लोग है भी नहीं, तो हो सकता है कि ये बीच के बारे में लोग कम जानते हैं, पर हमारे साथ है जिगर, यहाँ का लोकलाइट मेरा गाइड बना हुआ है, तो उसने मुझे ये बीच पे आने के लिए सजेस्ट किया और हम लोग आ गए। You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see that tainted love is all we have? Our issues run so deep. Now when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be gone. जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने नागोआ बीच एक्सप्लोर कर दिया, ये वो सब कुछ एक्सप्लोर कर दिया, ये बीच भी एक्सप्लोर कर दिया। अब जो है ये व्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया है, तो बस कैसा लगा आपको दीव की जो ट्रिप है, आपको अच्छी लगी होगी, कैसा लगा मोटो व्लॉगिंग, ये वो सब आप मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल दीव से लेके बड़ौदा तक का एक व्लॉग और आएगा, मोटो व्लॉग, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलो आई होप आपको मज़ा आया होगा यहाँ पे अब तक की जर्नी में, जो मेरा साथ दे रहे हो आप, देख रहे हो ये वो, तो उसके लिए थैंक यू। तो चलो अब व्लॉग यहीं तक रखता हूँ, आई होप आपको मज़ा आया होगा, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहे, मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहे, और गाइस चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू टाटा। तो गाइस सब ये जो पॉसिबल हो पाया वो सिर्फ जिगर की वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जिगर ने ही मुझे यहाँ पे ये वो सब जगहें सजेस्ट की और हम घूमे और आपको दिखा पाया मैं इस कैमरा थ्रू। तो जिगर थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस, जो है एक्सट्रीम एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही खूबसूरत।
कुछ बोलना चाहेगा क्या जिगर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ऑल माई प्लेजर. मैं हिरेक्स के लिए ट्रैवल सफारी इसका जो व्लॉग है, पेज है यूट्यूब में, उसके लिए कुछ हेल्पफुल रहा. मैं व्यूअर्स के लिए कुछ हेल्पफुल रहा ताकि व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सके, इंटरेस्टिंग चीज़ें जान सके कि इस जगह पे ये है और ऐसे जगह पे ट्रैवल सफारी का ये जो ब्लॉगर है ये घूमता है. तो गाइस, दिस गाय इज़ रियली नॉलेजेबल, ही इज़ ट्रैवल फ्रीक, ही इज़ टैलेंटेड गाय. थैंक यू. सो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल ट्रैवल सफारी. थैंक यू. इट्स मस्ट विजिट पेज इन यूट्यूब